गाइज, वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। आज हम बात करने वाले हैं मो लाइफ की। एक न्यू वॉच लॉन्च होने वाली है, मतलब लॉन्च हो चुकी है ऑलरेडी, और ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। और गाइज, अगर इस वॉच को आपको बाय करना है, अप टू 10% तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। कूपन कोड को आप अप्लाई कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने छोड़ दिया कूपन कोड, जहां से आप इसको जाके डायरेक्टली बाय कर सकते हो। एंड गाइज, इस वॉच की अगर मैं बात करूँ, मो लाइफ सेंस 315 के नाम से आती है और ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अवेलेबल है एज ऑफ नाउ, और अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है। तो आपको अगर बाय करनी है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही बाय करनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। गाइज, अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो प्रॉपर प्रीमियम बिल्ड के साथ आती है। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो 1.69 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिलती है। ये डिस्प्ले आपकी IPS पैनल के साथ आती है और जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक देती है। इसका जो ब्राइटनेस लेवल्स है वो भी अच्छे खासे आपको मिलने वाले हैं। गाइज, थोड़ा सा आगे बात करें यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि आपको इसमें स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं और 24/7 HR मॉनिटर भी मिल जाता है। SPO2 लेवल्स को भी आप मेजर कर सकते हो। ऑटो लॉक का फीचर मिलता है आपको इसमें और ड्रिंक वाटर रिमाइंडर का ऑप्शन भी मिल जाता है। वेदर नोटिफिकेशन भी अवेलेबल है। एंड गाइज, यहाँ पे आपको 7 days का अप टू रन टाइम क्लेम करती है अकॉर्डिंग टू कंपनी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो इसके बेजल से ऑलमोस्ट कम है, मिनिमल दिए गए हैं, यहाँ पे एक बटन मिल जाता है आपको जो कि आपको अमेज़फिट GTS की याद दिला देगा। और गाइज, यहाँ पे जो स्ट्रैप है वो सिलिकॉन स्ट्रैप नहीं है, वो TPU स्ट्रैप यूज़ किया गया है थोड़ा सा। और ओवरऑल जो लुक है इसका मेरे को बहुत ही ज़्यादा बेटर लगा। यहाँ पे पीछे की साइड मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। एंड गाइज, साथ में आपको HR मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है, BP मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है, SPO2 लेवल्स का मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है एज इट इज सिंगल सेंसर में। और उसी के साथ साथ यहाँ पे लुक्स तो प्रीमियम है ही। थोड़ा सा आगे बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। फॉर एन एक्टिव लाइफस्टाइल, यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। अप टू 9 आपको स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं और मेन्यू ऑप्शन भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे आई वॉच की तरह मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अनलिमिटेड आपको क्लाउड बेस्ड वॉचेस मिलते हैं। अनलिमिटेड कहा गया तो मेरे ख्याल से बहुत सारे होंगे इसमें एज ऑफ नाउ। यहाँ पे एक्जैक्टली कितने हैं वॉच फेसेस, एक्जैक्टली नंबर तो नहीं बताया गया, बट यहाँ पे अनलिमिटेड लिखा हुआ है। मल्टीपल अलार्म आप यहाँ पे लगा सकते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जिस तरीके से आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन प्रॉपरली आपको मिल जाता है वॉच के ही अंदर। और इन्फिनिटी डिस्प्ले मिलती है, 1.69 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिलती है जो कि ट्रू मतलब कलर्स के साथ आती है। और यहाँ पे आपको जो बेजल्स है ऑलमोस्ट बहुत कम मिलेंगे। एंड गाइज, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल में एक्जैक्टली आपको वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन नहीं मिलता है, बस आप यहाँ पे ट्रैक्स को चेंज कर सकते हो। फॉर अ हेल्दी यू, यहाँ पे आपको BP मॉनिटर, SPO2 लेवल्स और HR मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है, बट यहाँ पे सेंसर सिंगल ही है। कितना एक्यूरेट है वो मैं एज ऑफ नाउ नहीं कह सकता, बट जब मैं इसकी अनबॉक्सिंग और डीप डाउन रिव्यू आप सभी के लिए लेके आऊँगा देन ओनली बता सकता हूँ। बट यहाँ पे लुक्स के मामले में बहुत ज़्यादा क्लियर लग रही है वॉच। आगे बात करते हैं टफ विद इन, यहाँ पे आपको IP68 की रेटिंग दी गई है जो कि अच्छी बात है। और अंडर वाटर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट आपको प्रॉपर ये वॉच मिल जाती है। इसमें आपको बिल्ट इन 9 स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाते हैं, तो गाइस ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डायल मेटल की यूज़ किया गया, बेस इसका पॉलीकार्बोनेट का है और जो डिस्प्ले साइज़ है वो भी आपको अच्छा खासा दिया गया है। बट यहाँ पे आपको फाइंड माई फोन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, फाइंड माई वॉच का ऑप्शन मिलेगा जो कि एप्लीकेशन से आपको मिल जाएगा। और जो 2-3 फीचर है इसमें वो कहीं ना कहीं थोड़े से कम दिए गए, जैसे कि डेडिकेटेड सेंसर होता ज़्यादा बेटर था, और साथ में यहाँ पे कॉलिंग फीचर होता तो मज़े आया था। यहाँ पे आपको जो अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की, तो प्राइस भी इसका बहुत ही बजट रेंज में रखा गया है, 2499 रुपीज़ में एज अ इंट्रोडक्टरी ऑफर आपको मिलता है मो लाइफ की तरफ से। एज ऑफ नाउ मो लाइफ की वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आपको बाय करना है, 10% डिस्काउंट और चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको कूपन कोड मिल जाएगा जिसको आप अगर यूज़ करोगे तो आपको ये वॉच 5-10% और डिस्काउंट पे मिल जाएगी। तो जाके आप हरी अप में इसको बाय कर सकते हो। एंड गाइस, अगर मैं बात करूँ आप सभी से, तो अगर आप बजट रेंज वॉच देख रहे हो अंडर 3000 या 2500 के अंडर देख रहे हो, तो ये वॉच डेफिनेटली बेटर हो सकती है क्योंकि यहाँ पे मिनिमल आपको फंक्शंस मिलते हैं, बट यहाँ पे डिस्प्ले आपको बड़ी मिलती है। अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पे Zephyr 5220 CH से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एज इट इज सिमिलर ही फंक्शंस मिलते हैं। और यहाँ पे मो लाइफ का आपको भरोसा मिल जाता है, 1 ईयर की आपको वारंटी मिल जाती है कंपनी की तरफ से, और बजट रेंज तो है ही है कहीं ना कहीं। तो ये था मेरा एक सिंपल सा प्रीव्यू मो लाइफ सेंस 315 के बारे में। और इसके अलावा आपको कोई क्वेरी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिए। और गाइस, इस वॉच का आपको किस वॉच के साथ कंपैरिजन चाहिए तो ज़रूर मेरे को बताइए, मैं डेफिनेटली उस वॉच के साथ इसका कंपैरिजन आप सभी के लिए लेके आ जाऊँगा। और गाइस, यहाँ पे ब्लूटूथ 5.1 दिया गया है, तो थोड़ा सा ये भी अच्छी बात है, यहाँ पे कनेक्टिविटी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा बेटर हो जाती है। 220mAh बैटरी का यूज़ किया गया जो कि आपको करीब करीब 7 दिन का रन टाइम क्लेम करती है ऑन द पेपर, और 14-15 दिन का स्टैंड बाई टाइम प्रोवाइड कर देती है। तो ये भी इसमें एडेड एडवांटेज आपको मिल जाता है। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।